சந்துஷ்டஹ தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே நைவ தஸ்ய க்ருதே நார்த்தஹ நா க்ருதே நேஹ கஸ்யன நச்சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சிதர்த்தவ்யபாஸ்ரயஃ நைவ தஸ்ய க்ருதே நார்த்தஃ நேஹ கஷ்சன நசாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சிதர்த்தவ்யபாஸ்ரயஃ கஷ்சிதர்த்தவ்யபாஸ்ரயஃ நைவ தஸ்ய பரமாத்மரதேஹ க்ருதேன கர்மணார்த்த ப்ரயோஜனமஸ்தி அஸ்து தர்ஹி அக்ருதேன அகரணேன ப்ரத்யவாயாக்யஹ நர்த்தஹ நாக்ருதேனேஹ லோகே கஷ்சன கஷ்சிதபி கஷ்ச நாபுர லோகே கஷ்சன கஷ்சிதபி ப்ரத்யவாய ப்ராப்தி ரூபாத்மஹானி லக்ஷணோ வா நயேவாஸ்தி நசாஸ்ய சர்வபூதேஷு ப்ரஹ்மாதிஸ்தாவராந்தேஷு பூதேஷு கஷ்சித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயஃ ப்ரயோஜனநிமித்த க்ரியா சாத்யஹ வ்யபாஸ்ரயஹ வ்யபாஸ்ரயணம் கஷ்சித் பூத விசேஷம் ஆஸ்ருத்ய ந சாத்ய கஷ்சிதர்த்தஹ அஸ்தி யேன ததர்த்தா க்ரியானுஷ்டேயா ஸ்யாத் ந த்வம் ஏதஸ்மின் சர்வதஃ ஸம்ப்ளுதோதக ஸ்தானீயே சம்யக் தர்ஷனே வர்த்தசே யதஹ ஏவம்
सो कर्तव्य का संबंध सीधे सीधे प्राप्तव्य के साथ है। जब तक जीवत्व है व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई चीज प्राप्तव्य अवश्य होती है, क्योंकि उसके जीवन में भोक्तृत्व है। तो प्राप्तव्य की उपस्थिति में कर्तव्य की उपस्थिति अवश्यंभावी है। प्राप्तव्य हो गए और कर्तव्य से व्यक्ति विमुख हो तो यह चलता नहीं है। भगवान कहते हैं, चूंकि आत्मज्ञानी का, आत्मनिष्ठ का जगत में किसी भी प्रकार का प्राप्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि प्राप्तव्य के तीन ही रूप होते हैं, या तो तृप्ति चाहिए, या तो संतुष्टि चाहिए, या तो रति चाहिए। सो प्राप्तव्य में ये जो तीन विभाग हैं, तीनों के तीनों ही उसको अपनी आत्मा में ही सिद्ध हैं। आत्मा परम रमणीय है, उसी में वो खेलता है, उसी में रमता है। अपने आप से अपने आप की क्रीड़ा करता है, निरंतर रममाण है। स्वरूपावस्थान कोई ठहराव की स्थिति नहीं है, बल्कि रमण की स्थिति है। अब यहाँ पर शब्द असमर्थ होने लगते हैं, क्योंकि रमण प्रायः किसी का, किसी में, किसी के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा में, आत्मा का, आत्मा के ही द्वारा रमण सिद्ध होता है। ये कहने में भले ही अंतर विरोध दिखाई दे, लेकिन अनुभवी संतों का यही अनुभव है और श्रुति का भी इसी प्रकार का निरूपण है। रम रहिया मेरा साइया, रम रहिया भरपूर, ये पद यही बात कहता है। आपे रसिया, आप रस, आपे रमणहार, इसमें तीनों आत्मा ही है। आत्मी आत्मनि आत्मा में ही, आत्मना आत्मा के द्वारा ही, संतुष्टः आत्मा ही संतुष्ट है। सो क्रिया कारक भेद का जहाँ पे उन्मूलन हो जाता है, ऐसा ये रमण है। रमण है लेकिन क्रिया कारक भेद पूर्वक नहीं है। स्वात्मा में ही जिसका रमण सिद्ध है, आत्मा में ही जिसकी तृप्ति सिद्ध है, आत्मा में ही जिसकी परम संतुष्टि सिद्ध है, उस महापुरुष के जीवन में कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहा, और इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी कर्तव्य शेष नहीं बचता। भगवान ने इस प्रकार का घोष किया है। सो भगवान का ये निरूपण नहीं हो सकता कि सभी के लिए कर्तव्य अनिवार्य है, सभी सभी के लिए कार्य की व्यवस्था है, यह गीता का प्रतिपादन नहीं है। गीता का जो
असली नायक है। गीता के तत्व में, गीता के द्वारा निर्दिष्ट तत्व में जिसकी प्रतिष्ठा है, उसके लिए किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं माना है स्वयं गीता ने। जो देहाभिमानी है, प्रकृति की उपाधि से उपहित होकर के, तादात्म्यापन्न होकर के प्रकृति को ही मैं मानता है, उसके लिए कहा गया नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। क्योंकि प्रकृति तो क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं है, और प्रकृति को ही अगर हमने अहम के रूप में स्वीकार किया है तो स्वाभाविक है कि प्रकृति ही सतत सक्रिय है, तो मेरी पहचान वही होने के नाते तो मुझे भी सतत सक्रिय होना ही है। और केवल हाथ पैर को समेट लेने से अगर मुझे ये कदाचित भ्रम हो जाता है कि इस समय मैं निष्क्रिय हो गया हूँ, तो वो भ्रम है, क्योंकि प्रकृति कभी भी निष्क्रिय नहीं होती। हाथ पैर समेटने का नाम निष्क्रियता नहीं हो सकती। हाथ पैर प्रकृति के अंग हैं, शरीर प्रकृति का अंग है, मनस्तत्व प्रकृति का अंग है, सारी इंद्रियां प्रकृति की ही परिणाम भूता हैं, तो ऐसी दशा में उन्हीं से तादात्म की वह किया हुआ व्यक्ति अपने को अगर निष्क्रिय रूप में अनुभव करता है तो वह उसकी अनुभूति सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं हो सकती। तादात्म का अर्थ आप जानते ही हो, तदैव आत्मा इति मन्यते, मैं वही हूं। अपन मेरी जो पहचान है वो मेरी नहीं रही। जैसे देह से तादात्म्य का अभिप्राय है कि मेरी जो पहचान है वो देह के रूप में है, किसकी दृष्टि में, मेरी ही दृष्टि में। मैं जो अपना रूप मानता हूँ वो देह के रूप को ही अपना रूप मानता हूँ। जब इस प्रकार की मेरी बुद्धि में स्थिति है तो फिर देह तो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। और हमने ऐसा मान लिया कि कुछ समेट लेने का नाम, कुछ बैठ जाने का नाम तो निष्क्रियता है, तो वो प्रकृति में निष्क्रियता का दर्शन करने की इच्छा अथवा प्रकृति में निष्क्रियता को मान बैठना, ये तो भ्रम है। इसलिए भगवान ने वहां कहा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। वो निश्चित है, अज्ञ के लिए है, अज्ञानी के लिए है। भाष्य देखो, कश्चित् का अर्थ क्या लिखते हैं, नहीं मिला है? नहीं, कश्चित् कश्चित् शब्द का अर्थ क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं। नहीं कश्चित् कालम कदाचित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् कस्मात् कार्यते हि अवसः यस्मात् अवशः एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृति जैहि इत्यादि। अज्ञ इति वाक्य शेष, ये दूसरा पैराग्राफ में देखना क्या लिखा, मिला नहीं? हाँ, अज्ञ इति वाक्य शेष,
तो ये जो बस इतना ही पर्याप्त है। अज्ञः यह जो स्थिति है अथवा ये जो भगवान का कथन है वो सबके लिए है, इस तरह का अगर कोई अर्थ करता है तो वो गलती कर जाएगा। सबके लिए नहीं है वो। बोले ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि इसी अध्याय में दूसरा अध्याय भी पलटने की जरूरत नहीं है। इसी अध्याय में आगे चल करके भगवान आत्मनिष्ठ के लिए कर्तव्य का निषेध कर देते हैं। तो अगर यहां पर किसी ने ऐसा अर्थ समझ लिया या किसी व्याख्याकार ने ऐसा अर्थ कर दिया कि यह वाक्य सभी सभी के लिए है और इसलिए जिसको आप ज्ञानी कहते हो उसको भी कर्तव्य तो रहेगा ही रहेगा, यही गीता का प्रतिपादन है, अगर कोई ऐसा कहता हो तो फिर तो उसकी गलती है। निष्क्रियता असंभव है कहां? जहां तक प्रकृति है, ये भगवान का कहना है। अब अज्ञानी की स्थिति यह है कि वो प्रकृति को अहम के रूप में स्वीकार करता है, तो नेचरली जब उसने प्रकृति को अहम के रूप में स्वीकार किया तो प्रकृति तो सतत सक्रिय है तो उसको भी सतत सक्रिय रहना पड़ेगा। लेकिन जो आत्म रममाण है, आत्मा राम है, यस्य आत्मरति रेवस्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति है, फिर उसके लिए तो कोई कर्तव्य विधान करे तो गीता ही मना कर देती है। तस्य कार्यम न विद्यते, और हेतु यही है क्योंकि उसके लिए किंचित प्राप्तव्य शेष नहीं है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर है वो, जिस स्थिति में है वो, वह स्थिति किसी प्रकार की क्रिया की अपेक्षा नहीं रखती, वह स्थिति क्रिया सापेक्ष नहीं है, कर्म सापेक्ष नहीं है। और यह जो सापेक्षता है ये दो तरह की है। कई बार ऐसा होता है कि कर्म करने से एक स्थिति में विकास होता रहता है, दूसरी चीजें हैं कर्म छोड़ देने पर वह स्थिति बनी नहीं रहती बल्कि उसमें ह्रास होता है, पतन होता है। एक कोई ऐसी भी स्थिति होती है कि कर्म करने से कोई विशेष प्राप्ति नहीं होती, मनोविकास नहीं होता, लेकिन कर्म छोड़ देने पर वहां से स्खलन अवश्य होता है। इसी को बोलते हैं प्रत्यवाय। माने देह में कोई विकास नहीं होगा यदि हम संध्या वंदन स्नान शौचादि तरीके से करें तो, वह विकास का हेतु तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं करें तो ह्रास का हेतु अवश्य बन जाएगा। तो कर्म सापेक्षता जब हम बोलते हैं तो उसका अभिप्राय यह है, करने से कोई चीज टिकी हुई है, मानो करने से उसमें वृद्धि होती है और नहीं करने से स्खलन होता है। तो वह जो हमारी स्थिति है वो कर्म सापेक्ष मानी जाएगी। व्यावहारिक स्तर पे लोग कहते हैं कि कुबेर का भी धन हो किसी के पास और वो निष्क्रिय होकर के उसको खर्च करता रहे तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और छोटी सी भी अगर धारा बहती हो नदी की, लेकिन बहती हो और उसमें से आप रोज का काम चलाते हो तो वो धारा अगर बह रही है तो आपको जल मिलता रहेगा, समाप्ति कभी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो धन की धारा है वो बहती हुई अच्छी लगती है। जमा को कुबेर का धन इकट्ठा कर लो, लोग कहते हैं हिमालय पहाड़ की तरह कोई धन इकट्ठा करे, वह धन
वह आश्वासन नहीं देता जो एक छोटी सी नदी दे सकती है। ये तो ये व्यवहारिक धरातल पर इस तरह की बातें कही जाती है। उसका अभिप्राय क्या हुआ कि चीज चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। अगर हम वहां पर क्रिया का अवरोध करते हैं तो फिर स्थिति ये बनेगी कि जो हमारा जमा है, हैं, उसमें से व्यय होगा और वह व्यय एक दिन समाप्त हो जाएगा। अब जिस देश में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, उस व्यवस्था में बीच में क्या परिवर्तन आ जाए कि हमारा सारा गणित ही बिगड़ जाए। अब देखिए ना, पहले लोगों ने VRS लिया और माने उस समय सूद जो था वो 10% 11% भी था, ज्यादा भी था। अब सडनली वो जो आया 7 पर, तो अब सारा गणित बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? अच्छा ठीक है, उस समय महंगाई एक तरह की थी, अब आपने तो फिक्स रखा हुआ है, उसकी महंगाई न बढ़ती है न घटती है, और इधर महंगाई खर्चे में डबल हो गया। जो जो चीजें हमें मानो 5 रुपए मिलती थी वो 10 में मिलती है। तो व्यवस्था ऐसी होती है कि वो कोई सतत एक रस तो रहनी नहीं है, कब कौन सी चीज ऊपर नीचे हो जाए, तो जो जिसको आप फिक्स बोलते हो वो कुछ फिक्स फिक्स नहीं होता। फिक्स जो है वो सबसे अनसर्टेन है, उसकी स्थिति ऐसी है। इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, रोलिंग मनी, इट हैज टू रोल। अगर हमने उसको निष्क्रिय बनाने की कोशिश करी तो स्खलित होगा। वहां तो प्रत्यवाय दोष संभव है। चित्त शुद्धि का ही देखो, मानो किसी का चित्त निर्मल है, वो रोज स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, संभव है ऐसा कोई कहे, हालांकि ठीक नहीं है, बट मानो संभव है कि ऐसा करने से कुछ और निर्मल नहीं होता। लेकिन अगर तो छोड़ दिया तो निश्चित है कि फिर वो स्खलित होगा, पतित होगा, चित्त में मलिनता का प्रवेश होते देर नहीं लगती। तो यहां क्या हुआ कि अकृतेनेह, जो नहीं करना है उससे परेशानी है। करने से तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करने पर नुकसान होगा। तो कभी तो व्यक्ति विकास के लिए, कभी तो व्यक्ति वृद्धि के लिए प्रयास करता है, और कभी केवल क्षेम के लिए। वहां कोई वृद्धि की संभावना ही नहीं है, लेकिन मेंटेन तो करना है ना। जो स्थिति हमको प्राप्त हो गई है वो उसका क्षेम नहीं हो सकता यदि हमने यदि कर्म छोड़ दिया। अब आत्मावस्थान जो स्वरूपावस्थान है वो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। न करने से उसमें वृद्धि है और नहीं न करने से उसमें किसी प्रकार का क्षेम है। मनुष्य की असल में नैसर्गिक जो इच्छा है वो यही है, स्थिति सुखद हो और उसके चले जाने का भय ना हो। स्थिति सुखद हो और उसको संभालने की हमारी जिम्मेदारी ना हो। आदमी और क्या चाहता है? वो कोई स्थिति कहीं से मिलती दिखाई नहीं देती। सुखद स्थितियां मिलती हैं, नहीं मिलती हैं ऐसा नहीं, लेकिन फिर उनके चले जाने का भय उसके साथ ही आता है। एक्सपायरी डेट उस पर लिखी रहती है, हर स्थिति के ऊपर नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट।
या फिर संभालने का निरंतर दायित्व है कि यह जो हमें स्थिति किसी भी तरह से प्राप्त हुई है इसको आप निरंतर सावधानी पूर्वक संभाले रखो संभाले रखो संभाले रखो। ये संभालने का दायित्व जो है वो सिर पर एक प्रकार का बोझ है। आदमी इससे ऊबता है और संवेदनशीलता जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही ऊबता है। असल में कभी कभी संतों ने ऐसा लिखा, सुखिया यह संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। ये उन्होंने लिखा। क्यों? क्योंकि जो संवेदनशील है, जिसकी मूर्छा प्रदीप्त हो गई दुर्भाग्य से, हाँ नहीं तो फिर जाग खाए और सोए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये गड़बड़ हो गई किसी तरह से, तो संवेदना अगर बढ़ गई तो जब तक स्वरूपावस्थान न हो जाए तब तक आप जानते हो काम क्रोध को गीता जी ने कहा ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। पूछा क्या वहां अज्ञानियों के लिए क्या है, बोले वो तो ते मित्रवत पश्यंती। काम क्रोध को जो अज्ञानी हैं वो तो इसको अपना दोस्त समझते हैं। वाह ज्ञानी ने का अर्थ है साधका, हम आएगा तब देखेंगे उसको। जो ज्ञान मार्गी साधक हैं विचारशील हो गए उनका ये दुश्मन बनता है, तंग करता है उनको। तो आदमी को क्या चाहिए, किसी प्राणी मात्र को जो चाहिए वो केवल यही है स्थिति सुखद हो और उसके जाने का भय ना हो। समाधि टूट जाएगी वो भय ना हो, चित्त मलिन हो जाएगा ये भय ना रहे, सत्व गुण बिगड़ जाएगा ये भय ना रहे, गरीब हो जाएंगे ये भय ना रहे, दूसरा आदमी नाराज हो जाएगा ये भय ना रहे। माने जो भी हमारी स्थिति है जिसके कारण हमको सुख मिलता है उसके चले जाने का जो उसमें भय अंतर्भूत रहता है हमेशा, वो हमको कर्म के अधीन रखता है। चाहे व्यवहार धरातल हो चाहे आध्यात्मिक साधना का धरातल हो। अब जैसे सत्व गुण बनाए रखना या आध्यात्मिक स्थिति, चित्त को निर्मल रखना या आध्यात्मिक स्थिति, चित्त को ध्यानशील बनाए रखना ये एक आध्यात्मिक स्थिति है। लेकिन ये सब की सब हैं कर्म सापेक्ष, बस ये है। प्रकृति की उपाधि के साथ जो भी चीजें हैं मेरी भावना कहीं बिगड़ न जाए, तो भावना प्रकृति का परिणाम ही है, वो एक रस कैसे रहेगी। अश्रद्धा एक रस नहीं रहती, श्रद्धा एक रस नहीं रहती, द्वेष एक रस नहीं रहता, प्रेम एक रस नहीं रहता। आप देखो अपने जीवन में किसी से कल तक द्वेष था फिर उसके प्रति सहानुभूति जागती है, लीला चलती रहती है। किसी के प्रति श्रद्धा है फिर अश्रद्धा जागती है, किसी के प्रति भक्ति है फिर उसमें कमी जागती है, किसी के प्रति प्रथम वेग में अतिशय क्रोध है, दो घंटे बाद वही क्रोध नहीं रहता। यहां तो कोई स्थिति ही नहीं है ना। अब मानो हम साधना में भावनाश्रित होना चाहते हैं और भावना की प्रकृति क्या बनी, फ्लक्चुएट होना,
अब अगर हमको एक विशेष प्रकार की भावना चाहिए ही चाहिए तो आप सोचो उसके लिए जो भी साधना वांछित है वो करनी ही पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए तो आज सुबह हम लोग पढ़ रहे थे साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। तो उससे तो आदमी का काम चलता नहीं ना। जो हमारी जरूरत है वो बिल्कुल अलग है, वो यहां पूरी होती है। और कम से कम भगवान की कृपा है कि हम लोगों को ऐसे शास्त्रों से जोड़ा है और वंशतः जोड़ दिया, जन्मतः जोड़ दिया, जहां पर एक ऐसी स्थिति का कम से कम उल्लेख है कि एक ऐसी स्थिति अवश्य आती है जो कर्म के किसी भी प्रकार से अधीन नहीं है, न वृद्धि में न स्थिति में, न उसको संभालने की जिम्मेदारी है न उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी है, बढ़ सकता ही नहीं। क्या बोलते हैं, तस्य शब्द का अर्थ है परमात्मरते है, जो परम आत्मा में रममाण है उसका, आत्मरमण जिसका सिद्ध हो चुका है पूर्व श्लोक के अनुसार। तस्य कृतेन अर्थ नैव, सुनो अर्जुन उसकी स्थिति विचित्र है, करने से उसकी उसका कोई भी अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। बोले ऐसा कोई है? बोले ऐसा ही है। कृतेन नैव अर्थ, करने से उसका कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। अच्छा तो फिर भी करता रहता है? बोले वो करता रहता है लेकिन कार्य नहीं है वो। ध्यान रखना ये भी कि क्रियाहीनता ज्ञानी में नहीं कही जा रही है, यहां कार्यहीनता है। कार्य माने कर्तव्य। क्रिया तो जहां आप देख रहे हो वो प्रकृति ही है, वहां तो क्रिया हो ही रही है पूर्व वासना के अनुसार, पूर्व स्वभाव के अनुसार और कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार। भूख भी लगती है, विसर्जन भी होता है, सांस भी चलती है, इसके लिए आपको संकल्प करने की भी जरूरत वास्तव में नहीं है। तो इन्हीं बातों को देख करके हम कह सकते हैं ज्ञानी कर्म करता है, तो प्रकृति को देख रहे हो आप। और जो संकल्पानुसार उसका आचरण होता है महापुरुष का, असल में वो पूर्व वासना की अनुवृत्ति मात्र है, पूर्व स्वभाव की अनुवृत्ति मात्र है। तो क्रिया होती रहती है लेकिन जो चित्त से तादात्म्यपन्न हम लोग हैं तो हमारे भीतर जो कर्तव्यता की स्फूर्ति होती रहती है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। पीछे जाके देखें क्यों मेरा कर्तव्य है ये, तो जरूर खड़ा मिलेगा कि ये मेरा प्राप्तव्य है। चूंकि मेरा ये प्राप्तव्य है इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। उस पीछे खड़े प्राप्तव्य को एक बार हटा के देखिए फिर क्या कर्तव्य स्फुरित होता है, इसको एक बार देखिए। सुनैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेनेह कश्चन अर्थः। अर्थः दीप देहली न्याय के अनुसार जाएगा, नहीं करने से उसका कोई भी अर्थ बिगड़ने वाला नहीं है। अर्जुन ऐसी स्थिति में जो है उसी को हम ज्ञानी बोलते हैं, उसी को हम आत्मा राम बोलते हैं, उसी को हम आत्म संतुष्ट बोलते हैं, उसी को हम आत्म तृप्त बोलते हैं। उसी स्थिति की प्रशंसा वेद करते हैं और उसी के लिए यदिच्छन्तो
ब्रह्मचर्यम चरन्ति। अगर ये स्थिति ना हो तो कोई विचारशील व्यक्ति साधना क्यों करेगा, क्या जरूरत है उसको। अगर अंततः सब चीज अनित्य ही है और हर उपलब्धियां अनित्य ही हैं, तो फिर भेद क्या रहा आध्यात्मिक उपलब्धि में और लौकिक उपलब्धि में, भेद क्या है। आप कहो जी आध्यात्मिक उपलब्धि वैकुंठ है, एक आदमी ने बहुत सुंदर घर बनाया उसको उसी में खुशी है, हैं तो दोनों अनित्य ही। अनित्यत्वस्तु समानः ये स्थिति आनी चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थः न अकृतेनेह कश्चन। और तीसरी एक बात बताई अर्जुन, ऐसा कुछ भी साध्य इस व्यक्ति के जीवन में नहीं है जिसको सिद्ध करने के लिए ये किसी वस्तु का सहारा ले। वस्तुएं कई बार सीधे सीधे हमारा आश्रय नहीं होती, लेकिन हमें कुछ सिद्ध करना है, उस साध्य में, उस साध्य को सिद्ध करने में कुछ वस्तुएं सहयोगी होती हैं, तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है अर्थव्यपाश्रय। एक टेक्निकल शब्द हो गया अर्थव्यपाश्रय। वे वस्तुएं जो हमारे अर्थ को, हमारे चाहे हुए को, हमारे साध्य को सिद्ध करने में सहायक हैं, हमारे साध्य को सिद्ध करने में आश्रय बनती हैं, हेतु बनती हैं, उन वस्तुओं को कहा जाता है अर्थव्यपाश्रय। उन व्यक्तियों को भी कहा जाता है अर्थव्यपाश्रय। ये तो अर्थव्यपाश्रय है। भगवान क्या बोलते हैं, इस ज्ञानी पुरुष की ही ऐसी स्थिति है जो चराचर जगत में, भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्म सर्वभूतेषु का अर्थ किया, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वो अपने अर्थ का व्यपाश्रय भाव देखता हो, क्योंकि उसका अर्थ जो है वो वास्तव में सिद्ध है, साध्य नहीं है। ते साहन के साथ जिनको कछु न चाहिए मनवा बेपरवाह, वही है। देखो क्या लिखते हैं व्यपाश्रय का अर्थ भाष्यकार, प्रयोजन निमित्त, प्रयोजन आपका है उसके निमित्त कोई क्रिया है, प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य व्यपाश्रय व्यपाश्रयणम। अब ये तीन बात हो गई, प्रयोजन हमारा है, हम उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमको एक वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए, उस वस्तु को पाने के लिए फिर हैं क्रिया करनी पड़ेगी, नहीं नहीं क्रिया करनी पड़ेगी, तो क्रिया करके हमने वस्तु पाई, फिर उस वस्तु से अपना प्रयोजन सिद्ध किया। हमको लिखना है, लिखने के लिए साधन है कलम, और कलम कोई हमें आकाश से थोड़ा उतर जाएगी, कलम पाने के लिए पहले फिर हमको क्रिया करनी पड़ेगी। हमको ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर के लिए नहीं हल जोतने के लिए। तो ट्रैक्टर कोई सब दरवाजे पे ऐसे ही एक दिन उठा तो खड़ा मिला, ऐसा थोड़ा होता है। तो वह जो प्रयोजन निमित्त है वो कैसा है, क्रिया साध्य है। पहले कर्म से उसको साधन को अर्जित करना पड़ता है, फिर उस साधन से साध्य को अर्जित करना पड़ता है।
तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया। एक तो सीधा है कि प्रयोजन के लिए कर्म किया जा रहा है, एक है साधन के लिए कर्म किया जा रहा है। बोले साधन के लिए क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि साधन से साध्य की प्राप्ति होगी। तो यह जो प्रयोजन का निमित्त बनने वाला है, जो क्रिया से सिद्ध होने वाला है, अर्थात जो साधन की जगह पर बैठा है, उसको बोलते हैं व्यपाश्रय। तो ये हमको लेना पड़ता है, ऐसी वस्तुओं का आश्रय हमको लेना पड़ता है, उसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क फॉर इट, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है कि हम साधन संपन्न हों। ओके, साधन संपन्न हो, किस लिए साधन संपन्न होना चाहते हो? जिससे कि मैं साध्य संपन्न हो जाऊं। ये देखो, साधन संपन्न होने के लिए कोई साधन नहीं चाहता, क्योंकि अधिक से अधिक साधनों की जब हमारे पास स्थिति रहती है तो उन साधनों से साध्यों की ऐसे प्राप्ति होती है, जो काम व्यक्ति को दौड़ दौड़ के शायद करे और फिर भी ना हो। साधन संपन्न आदमी हो तो एक फोन करे। देखो, बोले हैं तो साधन संपन्न आदमी, वेरी वेल कनेक्टेड। व्यवहार में इस तरह की भाषा बोल जाती है, वेल कनेक्टेड, वेरी इन्फ्लुएंशियल, साधन संपन्न लोग हैं भाई। हमें दौड़ना पड़ेगा फिर भी शायद कुछ ना हो। तो वो जो साधन संपन्नता आई है, कोई आकाश में से नहीं आई है। साधन संपन्नता के लिए भी उस आदमी ने कर्म किया है। तो क्रिया साध्य प्रयोजन निमित्त, ऐसा एक साधन होता है। असल में तो मुझे ऐसा लगता है जीवन में कि जिसको हम आज साध्य कह रहे हैं, वो भी किसी और का साधन है। साध्य तो मिला ही नहीं, ये एक छलावा है, ऐसा तो लगता है। गाड़ी साध्य है कि साधन है? वो जब तक नहीं आई थी, लोगों को देखते थे तब लगता था कि शायद साध्य होगा, बाद में पता चला दौड़ने का साधन है। घर साध्य है, साध्य किधर है? थोड़े ही दिनों बाद पता लगता है कि ना 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 ना, जिसको हम साध्य कह रहे थे वो इन नो टाइम इट बिकम साधन। साध्य अब तक मिला कि नहीं मिला? बोले अब तक देख रहा हूं। नौकरी साधन है कि साध्य है? अनएम्प्लॉयड से पूछो, उसके लिए महाराज परम साध्य है। अच्छा जी, मिली तो? बोले साधन है। किस लिए? परिवार चलाने के लिए और देह चलाने के लिए। तो ये देह परिवार साधन है कि साध्य है? ये भी साधन है। तो साध्य आज तक मिला कि नहीं मिला? बोले लगता है एक छलावा है कि हमने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया। सारी उपलब्धियां साधन क्षेत्र में ही समाती चली जाती हैं, साध्य का तो दर्शन ही नहीं होता। अच्छा, अंतःकरण शुद्धि साध्य है कि साधन है? लोग तो उसको साध्य बोलते हैं। बनी वो साधन इसी रीति से समाधि को भी देख लो। कौन सी चीज है जिसको हम ये कहें कि हमको ये साध्य आज तक मिल गया? धन, एवरीथिंग इज साधन। ओनली ओनली माने ओनली। लो, तो हम लोग अब तक जो है
कोई 20 बरस से, कोई 40 बरस से, कोई 50 बरस से, कोई 70, पता नहीं 70 वाला कोई है कि नहीं यहाँ, इसीलिए मैं देख रहा हूं उधर। तो क्या साधन ही जुटाते रहे, और साध्य कब मिलेगा? बोले जब हम तुलसी गंगा जल मुंह में डाला जाएगा। इसको बोलते हैं कश्चित अर्थव्यपाश्रय, लोगों को साधनों के लिए कर्म करना पड़ता है, स्थिति बिगड़ने से बचने के लिए कर्म करना पड़ता है, या स्थिति में विकास करने के लिए कर्म पर करना पड़ता है। जिसको आप ज्ञानी कहते हो, कर्म से उसका इन तीनों में से कुछ भी सिद्ध नहीं होता, और व्यपाश्रय तो उसका ब्रह्मा जी भी नहीं बनते। वो क्या लिखा भाष्यकार ने, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, लो जी उसका तो जो व्यपाश्रय है कोई छोटा मोटा अफसर नहीं, सीधे ब्रह्मा जी को भी मना कर दिया कि वो भी उसका व्यपाश्रय नहीं बनते। नितांत अपनी स्थिति में है भाई, जब पराई स्थिति में व्यक्ति होगा तो पराए का आश्रय लेना भी पड़ता है। यहां तो आत्मरति एव स्यात्, आत्मतृप्तश्च आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम् न विद्यते। अर्जुन क्या तुम्हारी अनुभूति ऐसी ही है? ये तो बड़ा ही पर्सनल प्रश्न कर दिया गया। क्या लिखते हैं, न त्वम एतस्मिन् वर्तसे, अर्जुन तुम इस स्थिति में क्या नहीं हो। लो जी इसलिए मैं तुमको कहता हूं नियतम कुरु कर्मत्वम। अगर तुम इस स्थिति में होते तो मैंने आज तक कभी न कहा होता। न त्वम एतस्मिन् वर्तसे, एतस्मिन् माने क्या, सम्यक दर्शने, सम्यक दर्शन में, इस सम्यक दर्शन में तुम हो नहीं। वो कैसा है सम्यक दर्शन, ये स्थिति कैसी है? दूसरे अध्याय को का संदर्भ देते हैं, सर्वतः संप्लुतोदके, वह स्थिति जिसको मैंने पिछले अध्याय में बाढ़ की स्थिति से तुलना की थी। कैसे है वो, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। बस सो उस स्थिति में चूंकि तुम नहीं हो, यतः एवं चूंकि ऐसा है इसलिए, तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म, परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म, परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः संगवर्जितः सततं सर्वदा कार्यं कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय।
असक्तो हि यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोक्षम् आप्नोति पुरुषः सत्त्वशुद्धिद्वारेण इत्यर्थः तो चौथे श्लोक से जो प्रकरण शुरू हुआ था अब 19वें श्लोक में उसका पर्यवसान करते हैं। चौथे श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक कर्मयोग का प्रकरण था। बीच में दो श्लोकों में भगवान ने उस महापुरुष का निर्देश किया जो कर्तव्य के क्षेत्र से बाहर है, और वो निरूपण करने के बाद फिर से वापस आते हैं। इस बीच में 14वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक है ना, 16वें श्लोक तक 14वां 15वां 16वां श्लोक एक सृष्टि चक्र का वर्णन किया है। उस सृष्टि चक्र के वर्णन का अभिप्राय भी यही है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से तो कर्मयोग से विरत ना हो, यज्ञ भावना से विमुख ना हो। सारी सृष्टि यही यज्ञ भावना लेकर के चल रही है, तो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो इस चक्र को तोड़ दे। तो 14, 15, 16 तीन श्लोकों में सृष्टि चक्र का वर्णन हुआ। फिर 17, 18 में कर्तव्य से अतीत जिसका जीवन है उसका निर्देश हुआ। कारण कि चक्र की जब व्याख्या शुरू की परमात्मा ने, तो संभव है किसी विद्यार्थी को ऐसा लगने लगे कि फिर तो इस चक्र में सभी की कर्तव्यता निश्चित हो गई, यहां तक कि ज्ञानी की भी। और अगर ज्ञानी भी मानो इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है तो भगवान के वो शब्द उस पर भी लगेंगे, नानुवर्तयति यः अघायुः इन्द्रियारामः मोघम् जीवति। भगवान उसी समय इस आशंका का निवारण करने के लिए तो इन दो श्लोकों में एक ऐसे व्यक्ति की सूचना दे देते हैं जो इस चक्र से बाहर है, इस चक्र के अधीन नहीं है, जो कर्तव्य से अतीत है, कर्तव्य से परे है। तो ये 5 श्लोक बीच में आए और बाद में फिर से अब यहां उपसंहार करते हैं। तस्मात 8वां श्लोक क्या था, नियतम, यही है ना, नियतम देख लो, नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणा शरीर, यही है ना। अच्छा, तो अब वो 8वें श्लोक को एक तरह से यहां दोहराते, 8वें और 9वें को मिला करके यहां दोहराते हैं। 9वां श्लोक है यज्ञ अर्थात, हाँ, अब यहां देखो कैसे बोलते हैं, तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर हे अर्जुन। और अर्जुन तो प्रतिनिधि है, हम सभी लोग उनके आदेश के पात्र हैं, संबोध्य हैं, हम सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, हे मानव जब तक यह आत्मरमण की स्थिति सिद्ध नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे लिए यह आदेश है। तस्मात इसलिए, चूंकि वह स्थिति प्राप्त नहीं है इसलिए कर्म समाचर, कर्म का सम्यक आचरण करो। देखेंगे आप भगवान बार बार ये शब्द बोलते हैं, पिछले अध्याय में भी समाचर शब्द आया था,
कैसे है, मुक्त संघ समाचर सम्यक सम्यक। प्रभु की ये आज्ञा है हम सभी लोगों के लिए कि जो भी हम करते हैं उसमें सम्यकत्व की सिद्धि करना हमारा प्रयास होना चाहिए। किसी तरह से कोई चीज हो जाती है ये प्रभु को पसंद नहीं है। जो भी आप करते हो, कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के सामने कोई गया था पूछने के लिए कि हमको मेडिटेशन सिखाइए, तो उन्होंने कहा था कि वो कैलेंडर वो फोटो ठीक से लगा दो दीवार पर, तो जल्दी जल्दी में लगा के ले आया तो देखा उन्होंने टेढ़ा टंगा है फोटो। वो बोलते हैं कि तुम एक चित्र को सीधा नहीं टांग सकते तो अपने मन को क्या टांगोगे तुम। व्यक्ति में वो एक प्रयास, एक एक आदत नहीं है कि वो सम्यकत्व की ओर आग्रह करे, पूर्णता का आग्रह करे। गुरुदेव ने एक बार हमें लिखा चिट्ठी में, हिंदूज हैव बीन वर्शिपर्स ऑफ परफेक्शन एंड ब्यूटी, देयर गॉड्स आर ऑल परफेक्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल, सो दे आर वर्शिपर्स ऑफ परफेक्शन एंड ब्यूटी, बट आई डू नॉट नो वेन एंड हाउ दे जस्ट फॉरगॉट इट। Now their perfection and beauty is limited to garbhagrih only. All the lighting and dressing and this and that only in garbhagrih. And garbhagrih ke bahar nikalte hi gandagi, betartibi, wo sab shuru ho jati. तो अब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई देता था कि ये तो हमें मैसेज तो मिल गया। मधवाल जी से मैंने कहा पढ़ो इसको, तो उन्होंने पढ़ के सुनाया और पूछने लगी ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा। बोले वो मेरे लिए ही लिखा है और किसके लिए लिखा होगा, कि आई हैव टू रिमेन वर्शिपर ऑफ परफेक्शन। के लिए आग्रह होना चाहिए जितनी दूर तक, हालांकि उससे तकलीफ बहुत होती है क्योंकि वो पूर्णता का आग्रह करने में 15 बार चीज को बदलना तोड़ना, वो झुंझला जाता है सामने वाला, वो कहता है पास करो जी स्वामी जी, अब आप फाइनल कर दो इसको, और हमारा मन होता है दोबारा और इसको, तो सामने वाला झुंझलाता है उसके ऊपर, फिर मैं झुंझलाता हूं, फिर चलता रहता। बट फर्ज है, परमात्मा अगर चाहते हैं तो ये सबका फर्ज है कि वो खूबसूरती पैदा करे, अपने आसपास को खूबसूरत बनावे। जो भी करो आप, ये भगवान क्या बोलते हैं, जीव भाव में रहने से आप कोई होपलेस केस नहीं हो। अगर आप ज्ञानी नहीं हो तो ऐसी कोई निराशा की स्थिति नहीं है, शर्त यह है कि फिर इस आज्ञा में रहो। वहां हो नहीं और यहां करोगे नहीं तो ये तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। भगवान ये कहते, ये थोड़ो कह रहे हैं कि अगर आप आत्माराम नहीं हो तो फिर यू आर रिजेक्टेड जीरो, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। बोले चूंकि तुम इस स्थिति में नहीं हो इसलिए तुमको फिर ये करना चाहिए, यहीं से तुम उठ जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे जिसका मैं निर्देशन कर रहा हूं। क्या बोलते हैं भगवान, परम आपनोति पुरुषः। मैं थोड़ो कहूंगा कि तुम हमेशा इसी तरह से रहोगे। इसी श्लोक में निचली पंक्ति है क्या, पुरुषः परम आपनोति, तुम उठो तो सही लेकिन कहां से उठें। पहला आदेश है
कर्म समाचरत, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग योर जॉब। कर्म का आनंद मिलने लगता है, भोग का नहीं, फल का नहीं, कर्म का आनंद मिलने लगता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो, यू लाइक टू राइट, यू नो, जो भी कर्म हम करते हैं अगर वो उसमें खूबसूरती पैदा होने लग जाए तो आदमी को भविष्य में आनंद मिलेगा, ये गुलामी छूट जाती है। कर्म काल में ही उसको आनंद की सिद्धि शुरू हो गई। इसलिए पहला आदेश तो यही है, कर्म समाचर। वाह, फिर आदेश करते हैं कौन सा कर्म, कार्यम कर्म समाचर, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। अब अगर आप पिछले अध्याय से जोड़ते हुए चले आ रहे हैं तो आसानी है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। बार बार बोलते हैं स्वधर्म स्वधर्म, तो बोलते हैं कार्यम कर्म, जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है बस उस कर्म को सम्यक आचरण। तो हर आदेश ध्यान देने लायक है, कर्म हो निष्क्रियता न हो, लेकिन वह कर्म कर्तव्य कर्म हो। जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसमें करना हो सकता है बदसूरती पैदा करे, कंफ्यूजन क्रिएट बनावे। सो कर्तव्य कर्म हो, और तीसरी बात कही समाचर, करो तो खूबसूरती से करो, तीन बात कही। अब आठवें श्लोक से मिलाएं तो नियतम कुरु कर्मत्वम, तो वहां नियतम शब्द कहा था, यहां कार्यम बोलते हैं, एक ही बात है, कार्यम कर्म समाचर। बोले महाराज ऐसा करने पर भी बंधन तो होगा। बोले बंधन का काट ये है कि असक्त, असक्त कार्यम कर्म समाचर, बस इतना जोड़ लो बीच में। कर्म माने सब चीज वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि सामान्यतः होता है, समाचर भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, कर्म में कर्तव्य कर्म ही होना चाहिए। लेकिन असक्त, उसमें जो मेरा कर्म है मैं अपने लिए करता हूं, यह जो एक वृत्ति जुड़ती है कर्माभिमान की और अपने प्रयोजन की वृत्ति उसमें शामिल रहती है, अर्जुन कोशिश करो इस पर कैंची चला दो, तुम बस काटो इसको। बोले महाराज ये तो बहुत ही कठिन है काटना, बोल चुके हैं पहले योगस्थ कुरु कर्माणि, बोल चुके हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, बोल चुके हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय। अब जब असक्त शब्द बोलते हैं तो उन श्लोकों को संदर्भ में लेना चाहिए, उन्हीं श्लोकों का संदर्भ लेके भाष्यकार असक्त का अर्थ क्या करते हैं, ईश्वरार्थम। मिला ये, क्योंकि असक्त अपने आप में सिद्ध नहीं हो सकता। अगर मेरा प्रयोजन नहीं है तो मेरे प्रभु का प्रयोजन हो, ऐसा नहीं हो सकता कि न मेरा प्रयोजन और न मेरे प्रभु का प्रयोजन, तब तो उन्मत्त क्रियावत हो जाएगा, निष्प्रयोजन कोई चेष्टा होती नहीं। उन्मत्त चेष्टावत, तो ईश्वरार्थम प्रभु का भक्त बन करके अगर जीव भाव है अर्जुन कोई चिंता नहीं, लेकिन उस जीव को जीव नहीं रखो, मनुष्य भी मत रखो,
उसको भक्त बनाओ, तब जाके उद्धार का मार्ग खुलता है। और अगर जीव मनुष्य ही बना रह गया तो उद्धार कैसे होगा? फिर तो अधिक से अधिक वो सत्कर्म करेगा, अधिक से अधिक। बहुत मेहनत किया उसने तो क्या करेगा? सत्कर्म करेगा। सत्कर्म से क्या उसको मिल जाना है? भागवत जी में तो लिखा कि सत्कर्म करके ही वो क्या पालेगा, मेरे ख्याल से पहले ही स्कंद में आता है। सत्कर्म करके आज तक किसी को क्या मिला है, ये शब्द लिखा हुआ। बोले अगर भक्ति ना हो और सत्कर्म सत्कर्म करते हो तो वो क्या है? श्रम एव हि केवलम, ये भागवत जी का निर्णय है। न उत्पादयेत रतिम, श्रम एव हि केवलम। विश्वक्सेन कथा सुयत नोत्पादयेत यदि रतिम, श्रम एव हि केवलम। धर्म सनुष्ठितः पुंसाम, विश्वक्सेन कथा सुयत नोत्पादयेत यदि रतिम, श्रम एव हि केवलम। ये बोला तो आप मनुष्य बन के अधिक से अधिक आप क्या कर लोगे? आज तक किसी ने पाया क्या है? इसलिए मनुष्य बन के जीना ये कोई सच ठीक रास्ता नहीं है। उसको भक्त में बदलो, फिर जो मेरे लिए प्रभु का आदेश दिखाई देता है, जो मेरा कर्तव्य दिखाई देता है, मुझको मुझ में वो संवेदना होनी चाहिए कि उनका हुक्म मैं समझ सकूं। हुक्म पहचाने, एक को जाने, बंदा कहिए सोई, बंदा की परिभाषा दी ग्रंथ साहब में। भक्त किसको बोलते हैं? जो हुक्म पहचानता है। बोलने की जरूरत किंचित नहीं पड़ती है। ईश्वर थोड़ो सामने खड़ा हो करके बोलता रहेगा, और बोलेगा भी तो अगर हम नहीं मानने वाले हैं तो नहीं मानेंगे, बोलने पर भी नहीं मानेंगे। असक्त, देखो कैसा, जैसे एक कोई अलंकार बनाता है ना स्वर्णकार, तो उसमें एक एक रत्न को जड़ता है, वैसे भगवान एक एक शब्द को जड़ते हैं। असक्त कार्यम कर्म समाचर। बोले महाराज ये जो अनासक्ति है वो कितनी देर के लिए रखूं? सुबह एक घंटे, शाम को एक घंटे, बीच में आप अलाउ कर दो आप बस। घंटा घंटा भर ठीक है। और ऐसा करें, या तो हम ऐसा करते हैं कि जब मैं बिस्तरे पे चला जाता हूं तब से अनासक्ति शुरू करके इकट्ठे 6-7 घंटे में अनासक्त रह सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि डाइटिंग की बात तब की जाए जब खाना पूरा हो गया हो। कल ही हमारी बात हो रही थी कि भाई जो भी डाइटिंग वाइटिंग की बात करनी हो पहले, हमें बहुत अनुकूल लगी ये बात। देखो बिल्कुल पक्का है, मुझे एक नंबर का प्रस्ताव लगाइए। मैंने कहा ये तो सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। कोई कोई बोलता है मैं रोज उपवास करता हूं। कब उपवास करते हो भाई? बोले ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में, फिर डिनर से आगे सुबह की बेड टी के बीच में। आखिर ज्यादा समय तक तो मैं उपवास ही कर रहा हूं। ऐसे अनासक्ति नहीं चलने वाली है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्या बोलते हैं? सततम। अर्जुन तुम बताओ, तुम देहाभिमानी कितने घंटे रहते हो? बोले सुबह एक घंटे देहाभिमानी रहता हूं, बाकी बाकी तो हम आत्मा राम। जब तुम 24 घंटे देहाभिमानी रहते हो, 24 घंटे पुरुष बने रहते हो, मनुष्य बने रहते हो,
तो उस मनुष्य में भक्त 24 घंटे चाहिए। आधे घंटे भक्त, इसके बाद में मनुष्य, तो आधे घंटे मनुष्य बन के दिखाओ मुझे। सततम तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। अर्जुन, अगर तुम इसको साध लो तो क्या होगा? असक्तो ही आचरण कर्म, असक्त भाव से कर्म का आचरण करते हुए, आचरण शत्रु प्रत्यय, असक्त भाव से कर्मों का आचरण करते हुए पुरुषः परम आपनोति। पुरुष निश्चित है, अर्जुन, पुरुष परम को प्राप्त कर सकता है। परम माने आत्मरति। बस मैं इसी अध्याय की भाषा में बोले तो परम माने आत्मरति ही, आत्म तृप्ति ही, आत्म संतुष्टि। वही स्थिति जिसका गुणगान मैंने किया है वो तुम्हारी अपनी होगी, शर्त है कि तुम ऐसे पहले करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।